again. Let's सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। रिव्यू देख के तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर करने के हवाले। तो जैसे कि आपने बिल्कुल घटिया FPS वाली वीडियो देखी 15 FPS, उसको हम लोगों ने 120 FPS में कैसे कन्वर्ट करा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ यही बताने वाला हूँ। एक एप्लीकेशन है तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं क्वालिटी करने के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में पता है कि उस क्वालिटी ऐप के अंदर हम लोग FPS भी चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको एक सीक्रेट वे बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप 60 FPS को जो है ना 120 FPS में या 15 FPS को 60 FPS में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो सिर्फ एक ही क्लिक के अंदर हम लोग 120 FPS की वीडियो नहीं बना लेंगे। अगर आपकी 30 FPS की वीडियो है ना, एक बार AI से जनरेट करवाते हो तो आपको 60 FPS की बनाकर दे देगा वो। अगर आप उसको सेकंड टाइम अप्लाई करते हो ना, तो फिर हो जाएगी हमारी 120 FPS। बाकी थैंक यू सो मच, पिछली वीडियो में आपने इतना प्यार दिखाया, इतने कमेंट्स आए, आपके सबके बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट आए। जैसा कि मैंने बोला था कि भाई शाउटआउट वाले कमेंट नहीं करना, जो मुझे कमेंट पसंद आएंगे मैं वही सिलेक्ट करूँगा। इतने सारे कमेंट आए यार, अब तो ऐसा लगता है कि सबको ही शाउटआउट दे दूँ। तो सबको शाउटआउट देना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो है ना पिछली वाली वीडियो की लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ पर वेबसाइट पर आके मैं यहाँ से अपनी लिंक पेस्ट करके और यहाँ से ये क्या इसको मैं फिल करके यहाँ से जो है ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग शाउटआउट पिक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा विनर होगा VED190, नाम थोड़ा ख़तरनाक है लेकिन भाई ने अच्छा कमेंट करा यार। और सेकंड विनर देख लेते हैं, और सेकंड है हमारे भाई गेमर लेजेंड। और थर्ड विनर देख लेते हैं लास्ट, एंड लास्ट वाला है हमारा नॉट मिस्टर 7। तो चलो आज के शाउटआउट्स तो हो गए, अब वीडियो की बात करते हैं। आपकी वीडियो जितनी भी अच्छी बन जाए, अगर आपकी वीडियो के अंदर स्मूथनेस नहीं है ना, तो आपकी वीडियो के अंदर मज़ा ही नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपके लिए वाली वीडियो बनाई है। तो वीडियो को स्मूथ करने के लिए जो है ना हम लोग VMake का यूज़ करने वाले हैं, क्या पता आपके मोबाइल के अंदर हो, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। मैं गैलरी में आ चुका हूँ, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले तो मैं आपको इस वीडियो के FPS चेक करवा देता हूँ, जिसको अभी हम लोग स्मूथ करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं फाइल इन्फॉर्मेशन पे आऊँगा, यहाँ से मोर पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देखो 30 FPS लिखा हुआ है फ्रेम रेट, सही है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ अभी। तो अब जो है ना मैं इस वीडियो को विंक ऐप के अंदर ऐड करना है। मैं विंक ऐप के होम पेज पर आया हूँ, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर इमेज क्वालिटी, आपने इसी पर आ जाना है और 4-5 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। हमने सबसे पहले वाले पर आना है AI रिपेयर पर, और यहाँ से मैं वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे जोन से भी FPS हाई करना है। यहाँ से एनालाइज़ करेगा AI, और यहाँ पे आपके सामने जो है ना नीचे ऑप्शन आ जाएंगे, आपको क्या क्या करना है, इनमें से जो है ना आपको जो ठीक लगे वो आप करना है, लेकिन करना नहीं है आपने। यहाँ से आपने सबको अनटिक कर देना है, यहाँ से मैं इसको फुल करूँगा हट जाएगा यहाँ से, और इसको भी हटा दूँगा, इसको भी हटा दूँगा। सबको हटाने के बाद जो ना आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, इसका नाम है इंटरपोलेशन, और आपने इसी को ऑन करना है। यही हमारा मेन चीज़ है आज की हमारी, इसी से हमारे FPS हाई होंगे। बस आपने इसी को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना, ये हमारे FPS हाई करेगा। और ये ध्यान में रखना, आप जो है ना सिर्फ एक दिन में सिर्फ 4 वीडियो यहाँ से जनरेट करवा सकते हो। अगर आपके 15 FPS होंगे तो ये 30 कर देगा, अगर 30 होंगे तो 60 कर देगा, अगर 60 होंगे तो 120, मतलब ये डबल कर देता है जितने FPS होंगे ना आपकी वीडियो के। तो अभी हमारी वीडियो 30 FPS से 60 FPS में कन्वर्ट हो गई है, बस आपने यहाँ से इसको सेव करना है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, अगर आप 60 FPS कर रहे हो ना, ये आपके लिए बहुत है, काफ़ी है। 120 FPS नहीं करना, मैं आपको रेकमेंड करूँगा सिर्फ 60 FPS ही करना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपकी लो एंड डिवाइस है ना, तो अगर आप 120 FPS करते हो तो आपकी वीडियो लैग होना शुरू हो जाएगी। मैं इसलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको 60 FPS ही करना है। मैं आपको चेक कराने के लिए जो है ना, अभी हम लोगों ने 60 FPS से कर ली है, मैं पूरी वीडियो जो मैंने बताया टाइटल में जो मैंने लिखा है कि मैं 120 FPS करके दिखाऊंगा, तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद हम लोग गैलरी में चल के देखते हैं ये वाकई में इसके FPS चेंज हुए या नहीं हुए। मैं रिफ्रेश मारूंगा, हमारी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी, और चेक करने के लिए मैं वही करूँगा 3 डॉट पे आके यहाँ से फाइल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके मोर पे आके, पहले हमारे 30 FPS लिखे हुए थे ना, आप देखो 60 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, फ्रेम रेट 60, तो 60 FPS में कन्वर्ट हो गई है। और अगर आपको 120 FPS कर देना है इस वीडियो का, तो यही वाली वीडियो को आपने VMake के अंदर दोबारा ऐड करना है, और वही वाला प्रोसेस दोबारा फॉलो करना है, तो आपकी 60 FPS से जो है ना वो डबल हो जाएंगे, फिर 120 हो जाएंगे आपके FPS। तो ये हो चुकी है, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं, फिर गैलरी में चल के इसके भी FPS चेक कर लेते हैं। तो जो पहले हमारी 60 FPS वाली वीडियो थी ना, वो अब यहाँ पे 120 में कन्वर्ट हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपको वाली वीडियो पसंद आई होगी। अब जब भी आप अपनी एडिट बना के यूट्यूब पर अपलोड करोगे, उससे पहले आप ये वाला काम जरूर करोगे, मुझे पता है। और लाइक गेम रखता हूँ मैं इस वीडियो का 1K लाइक, लेकिन मुझे पता होता होता है नहीं, बस ऐसे बोल देता हूँ मैं लाइक गेम। और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, हो सकता है कि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर कमेंट पिक कर लूँ। बाकी मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।